कबूल कर चिट्ठी लेकर जा रहा था। पुराने ज़माने में खत और चिट्ठियाँ कबूतर लेकर जाया करते थे। एक दूसरे को पैगाम रसाने कबूतरों के लिए की जाती थी। एक कबूतर चिट्ठी लेकर जा रहा था। एक बच्चा पतंग उड़ा रहा था। जैसे ही कबूतर पतंग के करीब गया, उसके पतंग की डोरी कबूतर के पिंजरे में फंस गई। तो कबूतर नीचे गिरने लगा। पतंग का मालिक खुश निकला, कबूतर मेरी डोरी में फंस गया है। डोरी में कबूतर निकल गया तो पतंग का मालिक के हाथ में डोरी लिपट गई। उसका हाथ कटने लगा। मालिक ने कहा, मेरा हाथ कट रहा है कबूतर, ऊपर से डोरी को कट दो। तुम पतंग के करीब हो, डोरी को कट दो, मेरा हाथ कट रहा है। कबूतर ने कहा, नहीं, अब जब मेरा पंजा फंस रहा था तो तुमने कौन सी डोरी कटी थी? मैं नहीं कटूंगा, तेरा हाथ कटता है तो कटने दो। उनका बस में यही झेला था। कबूतर आगे जाता और पीछे इसका तमाशा देख रहा था। बच्चा पतंग को पकड़े हुए अपना हाथ डोरी लिपटे हुए पतंग, उसको ऐसा लगता था कि अभी पतंग इसको उड़ाता है, अपने साथ ही ले जाता है। ऐसे कबूतर को भी देर हो रही थी। कबूतर ने सोचा, ये मामला देख कर जाऊँगा, इसका सजा मिलने दे। ये पतंग छोड़ देते हैं हवा में और नीचे बैठ जाते हैं, परिंदों को नुकसान पहुँचता है। और किसी रास्ते में कोई भी इंसान आ रहा हो, इसके गले में ये डोरी फंस सकती है। इसके तो चलो हाथ में फंसी है, किसी के गले में भी फंस सकती है, किसी परिंदे के गले में फंस सकती है। लोगों के करीब मर जाएगा, इसका सजा मिलने दे। इसको सजा मिलेगी, अंदर ये ऐसी हरकत नहीं करेगा। कबूतर बेखौफ हो रहा, घूमता रहा, उसका तमाशा देखता रहा और उसका नसीहत भी करता रहा, अंदर ये काम नहीं करना, अगर किया तो मैं बोलेगा। किसी भी जान पाने में आपको क्या बात की जा रही है? तो आप मर रहे हो, तड़प रहे हो कि मेरी जान बचाओ। कोई नहीं बचाता, आप मर जाओ। मैं तो आपको नसीहत होगी कि ये काम नहीं करना चाहिए। उसी के दिन के बाद उस बच्चे को दिन में ख्याल आया कि ये काम नहीं